नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं चौधरी जेसीबी ब्लॉग। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इंजन ऑयल की सर्विस कैसे करते हैं और कब करते हैं, कितने टाइम पे करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इंजन की सर्विस करने के लिए सबसे पहले आपको जो ऑयल ड्रेन का नट होता है उसको खोलना पड़ेगा, जो कि होता है सबसे नीचे चैम्बर में। वो चाहे कोई भी इंजन हो, चाहे गाड़ी का हो, चाहे जेसीबी का हो, सबसे नीचे ही मिलेगा। लगा परवीन बाल्टी लगा। ये है सामने हमारा इंजन ऑयल फिल्टर, और ये खुलता है हमेशा फिल्टर पाने से, और ये खुलेगा हमेशा लेफ्ट हैंड की तरफ। लगा दे। जब भी ऑयल फिल्टर लगाओ तो इसके ऊपर रिंग है ना, इसके ऊपर हमेशा थोड़ा तेल लगा देना चाहिए। अंदर तेल जाएगा नहीं, क्योंकि फिल्टर उल्टा लगेगा। बस वो भी साफ कर दे वहां से। ऑयल फिल्टर पे हमेशा इंस्ट्रक्शन देते हैं कैसे टाइट करना है। जब अपन ऑयल फिल्टर खोलते हैं तो हमेशा फिल्टर ओपनर लगाते हैं, और जब अपन इसको टाइट कर रहे हैं वापस तो हमेशा हैंड टाइट होगा। इस पे लिखा भी है 15 Nm का टॉर्क लगेगा और हमेशा हैंड टाइट होगा। परवीन कर दे टाइट। अपने हाथों में इतना टॉर्क तो होता ही है 15 Nm का। बस ये हो गया टाइट, और हमेशा जेसीबी का साइन आगे आएगा। ये है हमारी जेसीबी इंजन ऑयल की बाल्टी, जिसमें आता है 15 लीटर। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखो। और अपने इंजन में 15 लीटर ही डलता है। जब अपन सर्विस करते हैं तो 15 लीटर तेल ये पूरा का पूरा बाल्टी उसमें डल जाएगी, क्योंकि ये जेसीबी इंजन है। ये है हमारी 2006 मॉडल मशीन, और 2011 से जो पहले मशीन आती थी उसमें आता था किर्लोस्कर इंजन, जिसमें इंजन ऑयल डलता है 13 लीटर। और ये है हमारी 14 मॉडल, और इसमें है जेसीबी इंजन, तो इसमें डलेगा 15 लीटर। ये देखिए हमारा तेल ड्रेन हो चुका है, जो कि निकला 7-7.5 लीटर। अब आप कहोगे कि यार डाला तो 15 था, निकला 7 है, वो क्यों? ये जेसीबी इंजन की खास बात है। वो चाहे एक मेरे पास पहले मशीन थी 2019, उसमें भी सेम यही था, जब सर्विस करवाते तब निकलता कम ही था। और ये है 2014 मॉडल, तो ये तो काफ़ी पुराना इंजन हो चुका है। जेसीबी इंजन जैसे ही पुराना होता है वैसे वैसे तेल खाने लग जाता है, इसीलिए इसमें निकला है 7 लीटर, 7-7.5। क्योंकि कुछ सर्विस भी अब की बार मेरी लेट हो चुकी थी। बाकी सर्विस करने का जो टाइम होता है वो होता है 500 घंटे पे। हर 500 घंटे पे आप सर्विस करो जेसीबी इंजन की, और ऑयल डालो हमेशा जेसीबी इंजन ऑयल। जो दूसरा तेल डालोगे आप वो चलने को चल जाएगा, लेकिन वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देगा आपको जो कि आपका जेसीबी इंजन ऑयल देगा। अब हमारा आधा काम कंप्लीट हो चुका है। हमने तेल ड्रेन कर लिया, मोबिल फिल्टर लगा दिए, ऑयल फिल्टर,
और अब हम डालेंगे इंजन ऑयल। जब हम इंजन की सर्विस करते हैं और नया तेल डालते हैं तो यहाँ से डालते हैं, इसके ऊपर साइन भी दे रखा है मोबिल का, एक यहाँ से और दूसरी जगह होती है यहाँ से, इस पर भी साइन है मोबिल का, यहाँ से तेल डालो सीधा चैम्बर में जाएगा। डाल दे भाई, यहाँ से डालने में दिक्कत होती है क्योंकि अभी लोडर नीचे है, तो इसीलिए सबसे अच्छा तरीका यही है, जाना सबसे इसको चैम्बर में ही है सबसे नीचे। लगा दे ढक्कन, साफ करके लगाइयो। कर दे बंद शो को, इसको भी साफ कर दे। चेक कर कितना है। निकाल, आप देख सकते हो इस गेज में दो निशान है, एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला, नीचे वाला मिनिमम ऊपर वाला मैक्सिमम इतना होना चाहिए। और अभी हमारा जो आ रहा है वो इसके ऊपर ही है, यानी कि पूरा हो चुका है। एक बार हम फिर से याद कर लेते हैं कि हमने सब कुछ कर दिया, ऑयल फिल्टर डाल दिया हमने, ड्रेन नट टाइट कर दिए, ऑयल डाल दिया है, तो अब हम करते हैं इसको स्टार्ट। परवीन कर स्टार्ट, चल मार, रेस मत देना। जब भी अपन इंजन की सर्विस करते हैं और उसके बाद पहली बार स्टार्ट कर दें तो कभी भी रेस नहीं देने का, हमेशा आइडल रेस पे ही इसको चालू रखने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।